हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपिक दैट इज़ स्यूडो फोर्स। ठीक है, अभी बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम है कब लगाना है कब नहीं लगाना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब क्या होता है, सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है, नॉर्मल जो जितना फ्रेम होता है ना, जो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या रेस्ट पे हो, जैसे ग्राउंड फ्रेम क्या हुआ, सिंपल इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम और एनी फ्रेम मूविंग विथ, तो इस सारे फ्रेम में क्या होता है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यू कैन ईजली अप्लाई। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है ना, वो डी एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। मतलब हम जिसमें हैं, जिस चीज़ में बैठ के किसी दूसरे चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस चीज़ में हम हैं ना, वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे अगर हम किसी लिफ्ट में, वो ऊपर जा रहा है और उस लिफ्ट से हम बाहर का चीज़ को देख रहे हैं, तो मेरा फ्रेम क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड फ्रेम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आखिर क्यों इसको अलग से पढ़ रहे हैं, कि इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्लाई। वो हम चेक करेंगे, अभी देखना गलत आएगा आंसर। बट यहाँ पे क्या हो, अगर हम स्यूडो फोर्स एक ले लेना, तो स्यूडो फोर्स के कारण वो सारा का सारा न्यूटन लॉ फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए स्यूडो फोर्स को इसमें लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। विदाउट स्यूडो फोर्स, इफ़ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, यू विल गेट रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब स्यूडो फोर्स लगाना किधर है, कितना मैग्नीट्यूड लगाना है, तो वो देखो ध्यान से। ये एक फोर्स m into a ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड m into a में m क्या लेना है, मास ऑफ द बॉडी वी आर ऑब्जर्विंग, हम जिसको देख रहे हैं उसका मास, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इन विच वी आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली जिस फ्रेम में हम हैं उसका एक्सेलरेशन तो मैटर करेगा ही। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या लेना है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट हैं, मास क्या लेना है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो वो m into a विल बी द स्यूडो। डायरेक्शन क्या होगा, देखो इसको एकदम याद कर लो, कि अगर हम लोग का फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम एक्सेलरेशन। अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो स्यूडो विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस भी बॉडी को देख रहे हैं उस पर स्यूडो डाउनवर्ड लगेगा। इफ फ्रेम इज डी एक्सेलरेटिंग, हम लोग का फ्रेम डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्यूडो विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जैसे लिफ्ट क्या हो रहा है ना, मान लो ऊपर तो जा रहा है बट डी एक्सेलरेट करके, डी एक्सेलरेट मीन्स व्हाट, कि उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो डी एक्सेलरेट करके ऊपर जा रहा है ना, तो स्यूडो क्या लगेगा, ऊपर ही लग जाएगा बॉडी पे। और अगर एक्सेलरेट करके कोई बॉडी फ्रेम जा रहा है, तो उसके ऑपोजिट में लगेगा। ये बिल्कुल याद रखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं कि जो सारा चीज़ मैं बोला हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, एक 2 kg का ब्लॉक है, इस पर 10 N का फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका इधर एक्सेलरेशन हुआ 5 m/s². ठीक है, अब इसको 4 ऑब्जर्वर देख रहा है, ध्यान से देखो, रेस्ट 2 m/s, 2 m/s², 5 m/s². पहले फ्रेम बताओ, इसका फ्रेम इनर्शियल, इसका फ्रेम मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इनर्शियल, इसका एक्सेलरेटेड है नॉन इनर्शियल, ये भी एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल। स्यूडो किसमें लगाना पड़ेगा, सोचो, इसमें अच्छा, इसमें देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्यूडो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू दिस ए ऑब्जर्वर, करेक्ट है 5 m/s². कैन यू टेल मी एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये भी करेक्ट है 5 m, इसमें 3 m मत कर देना, ये एक्सेलरेशन है, ये स्पीड है, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी दिस माइनस दिस, इसका एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, तो रिलेटिव विल बी, रिलेटिव क्या हो जाएगा 5 - इसका 0, तो 5 दोनों के लिए रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका क्या है 5, इसके लिए क्या होगा 3, इसके लिए क्या होगा 0। तो देखो ध्यान से, हम FBD अगर हम इसका बनाए इसके लिए, तो 10 और 2, मतलब वर्टिकल में हम नहीं सोच रहे अभी, 10 और 2 ही तो लगाना, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 10/2 5, इसके रिस्पेक्ट में क्या लगा 10/2, इसमें भी तो कोई एक्सेलरेशन, तो 5 आ गया, ये दोनों के लिए तो करेक्ट हुआ। इसके लिए सोचो कि अगर हम बस हम 10 और 2 लगा दें, और न्यूटन लॉ बोले कि अप्लाई करो, कितना आएगा 5, मतलब इसको भी क्या लगे कि 5 से जा रहा है, बट एक्चुअल में क्या लग रहा है, सोचो रिलेटिव तो 3 है ना, इसका मतलब जो हम लोग न्यूटन लॉ लगाए वो गलत हो चुका है। अगर हम ये स्यूडो ना लगाएं तो न्यूटन यहाँ गलत हो चुका है, तो क्या करना पड़ेगा, अब ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल स्यूडो का सोचो, स्यूडो क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये खुद ही 2 से मूव कर रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन 2 × 2 4 लगेगा, किधर लगेगा, ए बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो अपोजिट, तो 4 अपोजिट लगाओ। अब इस पर नेट फोर्स क्या हुआ 6 6/2 3, तो देखो करेक्ट आया ना, इसका ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में कितना से आगे जा रहा है 3 m/s², बट ये करेक्ट कब आया, जब हम लोग स्यूडो लगाए।
इसमें देखो अगर हम सीडो ना लगाए 10/2 5 होना चाहिए, बट इसका इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो जीरो आएगा कैसे? सीडो लगाना पड़ेगा, वाई? बिकॉज इट इज एक्सेलेटिंग, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। सीडो लगाओ, मास इंटू एक्सेलेशन, मास ऑफ द बॉडी 2 × एक्सेलेशन ऑफ द फ्रेम 5 10, किधर लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन ऑफ फ्रेम, तो अपोजिट 10 10 0, तो जीरो आ गया। ये करेक्ट, ये अगर क्लियर हुआ तो आप क्वेश्चन ऐसा आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे मान लो ये क्या है ना, देखो एक लिफ्ट है, एलिवेटर, जिसमें एक ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है, और ये एलिवेटर ए से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर। अब यहाँ पे दो बॉडी हुआ, ए और बी, एकदम ध्यान से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ए किस फ्रेम में है? ए तो ग्राउंड पे खड़ा है, इनर्शियल फ्रेम। बी किस फ्रेम में है? अब ध्यान से देखो, बी जो है वो खुद ही एलिवेटर के अंदर है, तो उसका फ्रेम क्या हुआ? नॉन इनर्शियल। सीडो किस में लगाएंगे? बी वाले में, ध्यान से। अच्छा, बी के रिस्पेक्ट में मास का क्या हो रहा है? वो मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है? बी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। ए के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है इस मास का? इट इज मूविंग विथ ए एक्सेलरेशन अपवर्ड, ए के रिस्पेक्ट में। पहले ए के लिए सॉल्व करते हैं। ए के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाओ, एन ऊपर एम जी नीचे, और ए के लिए ये तो ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक भी लगेगा ऊपर जा रहा है। ए एक्सेलरेशन, नेट फोर्स एन माइनस एम जी इक्वल टू एम इन टू ए, एन इतना आया। अब बी के लिए सॉल्व करते हैं। बी का कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। तो पहले एन और एम जी, और अपार्ट फ्रॉम दिस टू फोर्सेस वी हैव टू एड वन एक्स्ट्रा फोर, दैट इज सीडो। सीडो का मैग्नीट्यूड एम इन टू ए, डायरेक्शन विल बी वॉट? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम इज मूविंग अपवर्ड, तो डाउनवर्ड में लगाओ एम इन टू ए। अच्छा, अब ए बी के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना, इक्वेट कर दो, एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, सेम ही तो आंसर आया ना। ध्यान से देखो, तो आपको ये सॉल्व करना है, अगर वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो। अगेन ए पे नो सीडो, और ए के लिए वो ब्लॉक डाउनवर्ड आता हुआ लगेगा। देखो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ए, इस बार एम जी ज़्यादा होगा ना, इसके लिए सीडो लगाओ, सीडो किधर लगेगा? ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो ऊपर लग गया एम ए। तो एन प्लस एम ए इक्वल्स टू एन जी, तो एन इक्वल्स टू एम ऑफ जी माइनस ए, सेम आया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। अच्छा ध्यान से देखो, अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है ना, तो उसमें नॉर्मल क्या हुआ? बढ़ गया, एम इंटू जी प्लस ए हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जी इफेक्टिव क्या हो गया? जी इफेक्टिव ही क्या बन गया? जी प्लस ए। इसका मतलब जहाँ जहाँ जी आएगा ना, वहाँ पे जी प्लस ए ले लो, क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको आगे फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, देन रोटेशन, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई एलिवेटर ऊपर जा रहा हो, तो उसका जी इफेक्टिव विल बी जी प्लस ए। एंड इसमें जी इफेक्टिव क्या आ गया? जी माइनस ए। ये बिल्कुल याद रखना। तो यहाँ पे क्या है ना, अच्छा इस केस में नॉर्मल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है एम जी से, और इसमें इंक्रीज हो जाता है एम जी से। डायरेक्शन, अब देखो ये एलिवेटर में ये ब्लॉक रखा हुआ है, बताना है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, सो दैट नॉर्मल ऑन इट विल बी 3 mg/4। क्या होगा सोचो, पहले ये बताओ कि ये एलिवेटर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे क्या एन जो है एम जी से कम है। कम कब होता है? जब वो नीचे आता है, और नीचे आते टाइम जी इफेक्टिव जी माइनस ए, तो एम इंटू जी माइनस ए विल बी इक्वल्स टू एन, और एन गिवेन है 3 mg/4, तो यहाँ से ए निकल गया। सेम क्वेश्चन, अगर एन हो जाए 3 mg/2, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये एम जी से ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर अगर ए से जाएगा तो जी इफेक्टिव विल बी जी प्लस ए, एम इंटू जी प्लस एक्वल्स टू 3 mg/2, ए आ जाएगा g/2। आई होप ये सारा क्लियर हो रहा है आपका। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये सारा, कि ये एक फ्रेम है जो ऊपर ए से जा रहा है, इस ब्लॉक को यहाँ रिलीज करेंगे तो आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द बॉटम? फ्री बॉडी ड्रॉ करो। अच्छा ये फ्री बॉडी अब किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है? ये ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। मतलब आप क्या करो ना, आप मान लो कि आप खुद ही एलिवेटर के अंदर हो, और आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में सीडो किधर लगेगा? आप तो आपका फ्रेम क्या है? ऊपर जा रहा है, हम लोग का फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो उस पर क्या लगेगा? नीचे लगेगा एम ए। तो व्हाट वी कैन राइट, देखो इधर एन इधर एम जी कॉस, पहले नॉर्मल फ्री बॉडी ड्रॉ करो, ये ए को पहले हटा के, ये हटा के, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा एन। अब एम ए इस पर नीचे लगा, एम ए का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल ब्रेक करो, तो इधर आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, क्योंकि यही तो एम जी का डायरेक्शन है, वही एम ए का हो गया। देखो ये तो एन क्या आ जाएगा, देखो एन इक्वल्स टू दिस प्लस दिस एम ऑफ जी प्लस ए। अच्छा याद है,
ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है ए से, तो जी इफेक्टिव विल बी व्हाट, जी प्लस ए, तो डायरेक्टली अगर हम जी प्लस ए भी यूज़ करते तो भी आंसर आता, क्योंकि ऐसे क्या होता है, एम जी कॉस थीटा, अब क्या आया, एम इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा, करेक्ट ही तो है ना, बिकॉज एलिवेटर ए से ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसका इधर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाई मास, तो नेट फोर्स क्या, एम जी साइन थीटा प्लस एम एस साइन थीटा, बाई मास करेंगे तो साइन थीटा कॉमन ले लो, जी प्लस ए साइन थीटा कॉमन जी, और जी इफेक्टिव से भी आ जाएगा, ऐसे नॉर्मल जी साइन थीटा होता है, अभी क्या हो जाएगा, जी प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लगाना है, टाइम निकालना है, तो यू अप्लाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें यू जीरो गिवेन है, ए हमको पता है, एस क्या हो जाएगा, एल के बराबर, क्योंकि उधर ही का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उधर ही का एक्सेलरेशन क्या आया, जी प्लस ए साइन थीटा, तो टाइम निकाल लो, यू विल गेट द टाइम, ठीक है। इसमें क्या है, इसको आप खुद ट्राई करो, ये ए से इधर जा रहा है, सेम क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, एम ए इधर लग रहा होगा, इसको ब्रेक करो, अब एम ए का ये थीटा, तो इधर एम ए कॉस थीटा, इधर एम ए साइन थीटा, तो एन प्लस एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलेरेशन दिस फोर्स बाई मास ये आ जाएगा, तो टाइम ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये सॉल्व करना है, ट्राई कर लेना, यू विल गेट द आंसर, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, एक बार लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कि हम कितने फोर्स से इस बड़े वाले वेज दैट इज एम मास को फोर्स अप्लाई करें, सो दैट अ स्मॉल एम विल रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एम। तो क्या करना है, देखो पहले इमेजिन करो, ऐसा कुछ होता है ना कि अगर हम इसको प्रेस करें तो क्या होगा, ये जो है यहीं पर रह जाए, ठीक है, किसी बॉडी पे अगर बहुत फोर्स लगाएं तो ये स्लिप करने के बजाय इट विल रिमेन एट रेस्ट। तो सोचो अगर एक्सेलरेशन मान ले इसका हम ए, मान लो कि वो पूरा सिस्टम ए से आगे जा रहा है और हम जो है वो वेज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मेरा फ्रेम कौन सा हुआ, नॉन इनर्शियल। तो अगर हम स्मॉल एम को देख रहे हैं तो हमको स्यूडो लगाना पड़ेगा, बिकॉज हम तो खुद ही एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, स्यूडो किधर लगेगा, मेरा एक्सेलरेशन किधर है, राइट में, स्यूडो किधर लग जाएगा इस पर, लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसका पहले फ्री बॉडी बनाओ नॉर्मल, इधर एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल विल बी अपवर्ड, ये एन ऐसा आया। अच्छा, स्यूडो इस पर लगाओ, इधर लगेगा एम ए, इसका नीचे कंपोनेंट और ऊपर, इधर एम ए कॉस थीटा, इधर एम जी एम ए साइन थीटा, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें ये इधर ना जा रहा है ना, डाउन स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा बराबर है ये दोनों, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी टेन थीटा, इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। और एन क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ए क्या हो गया, जी टेन थीटा, ए को पुट करो यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू जी टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस बन के कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, यहाँ से एम जी बाहर ले लेंगे, तो एम जी बाई कॉस थीटा और एम जी सेकेंड थीटा, तो पहले क्या था एम जी कॉस थीटा, अब बना एम जी बाई कॉस थीटा, बताओ नॉर्मल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, हाँ कॉस थीटा लेस ग्रेटर लेस देन वन होता है ना, तो दिस नॉर्मल विल इंक्रीज, तो नॉर्मल इंक्रीज हो गया, ठीक है। और क्या एक्सेलेरेशन होना चाहिए, जी टेन थीटा, तो कितना फोर्स लगाएंगे हम लोग इस सिस्टम को जी टेन थीटा एक्सेलेरेशन देने के लिए, एम प्लस एम इंटू एक्सेलेरेशन जी टेन थीटा, तो इतना फोर्स लगेगा। अच्छा, एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, करेक्ट जी टेन थीटा, एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम जीरो, रेस्ट पे, वही तो क्वेश्चन था, बट एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वो क्या है, वेज के ऊपर रेस्ट में है, बट वो तो आगे मूव कर रहा है ना, तो स्मॉल एम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या, जी टेन थीटा से आगे जा रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट रिवर्स है, कि अगर हम इसको इधर फोर्स लगाए ना, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ना ये फ्री फॉल कर जाएगा, फ्री फॉल मीन्स वॉट, कि एम जो होगा ना वो वेज के कॉन्टैक्ट में होगा ही नहीं, एम विल नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विथ वेज, तो स्मॉल एम का वो फोर्स का वैल्यू बताना, मतलब ये फ्री फॉल मतलब क्या, ये नॉर्मल जीरो होगा तभी तो, तब ये ब्लॉक को क्या लगेगा कि इसके टच में कोई नहीं है, तो ये फ्री फॉल नीचे आएगा, वही क्वेश्चन है। तो क्या करो, एन को जीरो करना, तो अगर हम इधर एक्सेलरेशन माने तो सोचो स्मॉल एम पे स्यूडो किधर लगेगा, आगे, तो वो स्यूडो लगा और उसका कंपोनेंट ब्रेक करो। अच्छा, एन जीरो मतलब ये और ये आपस में बैलेंस कर ले रहा होगा, तो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल, तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये आ जाएगा जी कॉट थीटा, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि फोर्स क्या होगा, एम प्लस एम इंटू जी कॉट थीटा कि एम कॉट एम जी कॉट थीटा, ओनली हम लोग कैपिटल एम लेंगे कि एम प्लस एम लेंगे, बताओ आंसर क्या होगा, एम इंटू जी कॉट थीटा,
बिकॉज ये तो उसका पार्ट ही नहीं है ना, ये तो हवे में हो गया। जब नॉर्मल जीरो, तो ये इस पर कुछ फोर्स ही नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये कितने से एक्सेलेट कर रहा है, ये इतने एक्सेलेरेशन से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये पुली सिस्टम आया, ये वेज है सारा फ्रिक्शनलेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम डैश, इसका वैल्यू बताना है सो दैट एम विल रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। अब बच्चे लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत ही इसको एम डैश जी मान लेते हैं, तो एम डैश जी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। आप लोग भी बहुत कोई किए होंगे, बट ऐसा नहीं, इसमें टेंशन टी आएगा ना, एक्सेलरेशन इसका कितना होना चाहिए सो दैट दिस विल रिमेन एट रेस्ट। जी टेन थीटा अभी तो पढ़े, तो ये पूरा सिस्टम अगर जी टेन थीटा से आगे जा रहा है, तो ये भी कितना से नीचे जाएगा, जी टेन थीटा। तो इसमें अगर हम टेंशन टी मान लें, तो इसका लिख लो इक्वेशन एम डैश जी माइनस टी इक्वल्स टू एम डैश जी टेन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। यहाँ से ऐड करो, टी कट जाएगा, एम डैश का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये स्यूडो का थोड़ा बहुत पार्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, दैट इज कटिंग एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स।